1982 में बेयर कार्टल ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज डिसाइडेड टू कलेक्टिवली अटैक द शेयर्स ऑफ रिलायंस, क्योंकि फिर वो जो है रिलायंस के शेयर को एक रॉक बॉटम प्राइस पे ले आते और वापस उस मतलब उन्हें शेयर्स को सस्ते में खरीद के एक काफ़ी अच्छा मोटा प्रॉफिट कमा लेते। बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने धीरूभाई अंबानी सर को अंडर एस्टिमेट किया और दे एंडेड अप मेकिंग अ ह्यूज ह्यूज लॉस। बट बात ही आती है कि धीरूभाई अंबानी सर ने ऐसा किया क्या था, तो आप यार करते हैं इसी पे थोड़ी चर्चा। मैं आपको हर्षमन का वेलकम करता हूं आपके नए वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, बेयर्स और बुल्स। अगर आपने हर्षद मेहता की सीरीज स्कैम 1992 देखी तो आपको पता होगा जो बेयर्स होते हैं उनका काम होता है, मतलब उनका वो उनका जो तरीका होता है काम करने का वो होता है कि और वो जो शेयर्स की प्राइस है उसको काफ़ी लो करते हैं और फिर उन्हीं शेयर्स को जो है सस्ते में खरीद के एक काफ़ी अच्छा मोटा प्रॉफिट कमाते हैं। और जो बुल्स होते हैं वो शेयर्स की प्राइस को बढ़ाते हैं पहले और फिर उन शेयर्स को बेच के, जब उनका शेयर्स होते हैं उसको बेच के एक प्रॉफिट कमा मतलब एक मोटा प्रॉफिट कमाते हैं। पर स्कैम में आपने देखा होगा कि हर्षद मेहता जो है किस तरीके से मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, तो है कुछ इस तरीके का ही 1982 में, उससे पहले 1992 की स्कैम से पहले 1982 में बेयर कार्टल ने जो है रिलायंस के शेयर के साथ करने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने एक गलती करी, उन्होंने धीरूभाई अंबानी सर को अंडर एस्टिमेट कर दिया और मुँह की खाई। पर बात ही आती है कि उन्होंने ऐसा किया गया था। तर अगर आपने स्कैम 1992 देखी तो आपको ये पता होगा जो हर्षद मेहता है वो सस्ते शेयर्स खरीदते हैं किसी भी कंपनी के और उससे जो है मार्केट में एक न्यूज़ फैलती है कि हर्षद मेहता जैसा बड़ा इन्वेस्टर जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब इस कंपनी में पोटेंशियल है और ये कंपनी जो आगे जाके अच्छा करेगी, तो इवेंचुअली जो सारे लोग हैं वो उन शेयर्स को खरीदने लग जाते हैं और कंपनी के शेयर्स हाइक हो जाते हैं, उनका मतलब बढ़ जाते हैं रेट। तो और फिर जो जैसे हर्षद मेहता जैसे इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो क्या करते हैं उन सारे शेयर्स को अपने शेयर्स को बेचते हैं और एक मोटा प्रॉफिट कमा के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये काम होता है बुल्स का। अब बढ़िया, अब बात आती है बेयर्स की। बेयर कार्टल क्या करते हैं, वो अपने शेयर्स को बेचते हैं ताकि जो प्राइस है वो नीचे आ जाए, क्योंकि जब इस तरीके का बड़ा इन्वेस्टर इतनी बड़ी क्वांटिटी में अपने शेयर्स को सेल करता है तो मार्केट में इस तरह की न्यूज़ जाती है कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है और जो शेयर के प्राइस है वो नीचे आने वाले हैं। तो इवेंचुअली क्या होता है, सब लोग जो है उन शेयर्स को बेचने लग जाते हैं और जो शेयर की प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ जाती है और फिर जो बड़ा इन्वेस्टर रहता है वो उन्हीं शेयर्स को सस्ते प्राइस पे वापस खरीद लेता है और इसी तरीके से एक बड़ा प्रॉफिट कमाता है, बनाता है अपने। मान लो सपोज करो कि एक्स इन्वेस्टर है, उसने 4000 का शेयर था वो बेचा 4000 में और थोड़े टाइम बाद शेयर्स की प्राइस नीचे आने के बाद उसने 2000 में सेम शेयर वापस ले लिया, तो इवेंचुअली उसने 2000 का प्रॉफिट बनाया। तो इस तरीके से जो है बेयर कार्टल काम करता है। यही टेक्निक उन्होंने जो है रिलायंस के शेयर के साथ करने की कोशिश करी थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा मतलब उन्होंने कलेक्टिवली डिसाइड किया कि हम जो है रिलायंस के शेयर को मैनिपुलेट करेंगे, उनके सारे शेयर्स बेचेंगे और उससे जो है रिलायंस के शेयर नीचे आ जाएंगे और फिर हम वापस उस शेयर्स को जो है मतलब सस्ते में खरीद के और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेंगे। और ये सारे पेमेंट सेटल करने के लिए उनके पास 14 डेज़ का टाइम होता है और अगर वो 14 डेज़ के बाद जो है ये सारा पेमेंट सेटल नहीं कर पाते तो उनको एक छोटा चार्ज मतलब उनको एक चार्ज देना होता है कॉल्ड द बदला चार्ज। और यार यही 14 डेज़ का जो टाइम है वो बेयर कार्टल ने मतलब सोचा था यूज़ करने का किसके लिए, ये पूरा गेम खेलने के लिए। और इसका इफेक्ट इतना रहा कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 3.5 लाख शेयर्स ऑफ रिलायंस हिट द मार्केट और इससे जो है एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट हुआ, जिससे जो अदर ब्लू चिप कंपनीज है लैक्टिस को उसके शेयर्स को भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा और एंड में बेयर कार्टल ने जो है 11 लाख शेयर्स अपने सेल करे रिलायंस के वर्थ ₹16 करोड़। बट द अंडरएस्टिमेटेड धीरूभाई अंबानी सर द मैन गिफ्टेड विद बोथ कामनेस एंड कंट्रोल, देयर प्लान वॉज टू ब्रिंग द प्राइसेस ऑफ रिलायंस शेयर फ्रॉम 131 टू 121 रुपीज एंड दिस वॉज अ टाइम वेन देयर वॉज मैसिव पैनिक इन द मार्केट। बट नाउ द ट्विस्ट कम, द प्राइसेस ऑफ रिलायंस शेयर स्टॉप्स इन डिक्रीजिंग एंड इवेंचुअली स्टार्टेड इंक्रीजिंग फ्रॉम 121 टू 125 रुपीज। बट यार अब बात ही आती है कि ये खरीद कौन रहा था, क्योंकि इंडिया में मतलब टेक्निकली जो मैनेजमेंट होता है कंपनी का वो अपने शेयर्स वापस नहीं खरीद सकता। तो अब बात ही आती है कि ये बेयर्स बेच रहे थे लेकिन खरीद कौन रहा था। यहाँ पर जो है धीरूभाई अंबानी सर का मास्टर स्ट्रोक आता है। जो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन खरीद रही थी उसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस एसोसिएशन। और यार टेक्निकली जो है मैनेजमेंट अपने शेयर्स वापस नहीं खरीद सकता, तो उन्होंने अलग नेम से जो है शेयर्स खरीद रहे थे। एंड दिस इज हाउ द प्लान ऑफ बेयर्स फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि वो 14 डेज के बाद जो है वो पेमेंट को सेटल नहीं कर पाए और उनको जो है बदला चार्ज देना पड़ा जो कि काफ़ी ज़्यादा था, जो धीरूभाई अंबानी ने मांगा था 50 रुपीज़ पर शेयर और 11 लाख के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो 50 रुपीज़ पर शेयर कितना हो गया, तो ये जो अमाउंट था काफ़ी ज़्यादा था और जो बेयर गैंग थी वो ये अमाउंट जो है सेटल करने में नाकामी हो रही थी। एंड एज अ रिजल्ट दे एंटर्ड इन अ डेडलॉक और इसी के चलते जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 3 दिन के लिए बंद करना पड़ा। और जब मार्केट खुला तो वो सिर्फ इसलिए खुला ताकि जो बेयर गैंग है वो वापस ट्रेड कर सके इसका रिलायंस के शेयर का और अपना जो पेमेंट है वो सेटल कर सके। तो यार इस तरीके से जो है
धीरूभाई अंबानी सर ने रिलायंस को कोलैप्स होने से बचाया, रिलायंस के शेयर को गिरने से बचाया। और जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, तो उन्होंने एक सिंपल सा जवाब दिया कि यार जो रिलायंस के जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सारे रिलायंस की फैमिली हैं, और अगर आज ये मतलब आज ये जो रिलायंस के शेयर कोलैप्स हो जाते, गिर जाते, तो उनका जितना भी ट्रस्ट है रिलायंस में वो सब खो जाता, और वो ये नहीं चाहते थे क्योंकि वो उन सबको एज अ फैमिली ट्रीट करते थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आप भी जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते, और करते हो तो आपका फेवरेट शेयर कौन सा है। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।